अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सज्जाद अमान। आप देख रहे हैं अमान ट्रैवलिंग फूड। काफ़ी अर्से बाद असल में मेरे एक दोस्त है कराची से जो है झींगे लाया था, तो उसका ये जो है ना रेसिपी हमने ट्राई की, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। ये मैं वह भी अच्छा बना है, इससे जो शेल है वो तो उतर चुका है। अब इसको डिवेनिंग करने के लिए हमने यहाँ पर बैक पे इसके शार्प कट लगाना है, ठीक है, और फिर टूथपिक से ये इसकी वेन जो है ये निकाल लेनी है। ये हमने शार्प कट लगाया, और टूथपिक से फिर इसको ये यहाँ से इसका बिल्कुल डीप कट नहीं लगाना कि वो बिल्कुल दरमियान में दो हो जाए। ये देखें ये गंध है। अच्छा ये गर्म हो गया, अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। इसमें हमने डाला है ये गार्लिक चॉप किया हुआ, इसका तकरीबन हमने गार्लिक को तकरीबन एक मिनट तक फ्राई करना है, मतलब इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना या जलाना नहीं है, बस ये थोड़ा सा इसके अरोमा जो है ना वो निकल आए। ये गार्लिक हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें हमने जो है ना ये जो प्रॉन्स हमने साफ़ किए थे, इसको बाद इसमें हमने जो है ना सिरके से धो लिए थे और अच्छी तरह से सुखा लिए थे, ये इसमें हम डाल लेंगे। फ्लेम हमने हाई भी रखी है फ़िलहाल, शुरू में दो मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे। ये साइड बदलेंगे अभी, इसको ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है प्रॉन्स का ये, तो इसको जो है ओवर कुक नहीं करना, ठीक है। अगर आप इसको ओवर कुक कर लेंगे तो फिर ये सख्त हो जाते हैं। ये तकरीबन दो मिनट इसके हो गए हैं, इसका अरोमा भी आना शुरू हो गया। अब इसमें हमने डाले हैं अदरक जायका जो है ना नमक, साथ में जो है ना ये काली मिर्च अदरक जायका, तकरीबन एक टेबल स्पून जो है ना ये कुटी हुई लाल मिर्च, और ये चिली सॉस तकरीबन एक टेबल स्पून। थोड़ा सा मैं तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ। स्पाइसी आप मैंने इसको कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़े से आग जो है मेरा कम कर लेता हूँ। अब मीडियम फ्लेम पे मैंने रख दिया। अब इसमें मैं ये डालूँगा थोड़ा सा, ये तकरीबन दो टेबल स्पून है ना नींबू का पानी, और अभी इसमें ये ऑलमोस्ट तैयार है। अब इस पर थोड़ा सा मैं ये हरा धनिया डाल दिया है चॉप किया हुआ,
एक मिनट तक हम इसको ये मीडियम फ्लेम पर जो है ना रखेंगे। ऑलमोस्ट तैयार है, ये हमने फ्लेम बंद कर दिया है, ये हमने देखते हैं इसलिए कि मेरा दोस्त है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वस्सलाम।